नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द फिल्मी तालीम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले गदर टू मूवी। सिनेमा घरों में दस्तक दे गई है और आज ये मूवी रिलीज हो गई है और मैं बताऊंगा इस मूवी के बारे में कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं। लगभग 2.5 घंटे की मूवी है, जो देखने से पहले डिसाइड करना कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं। अभी का रिव्यू करेंगे हम गदर टू। कहानी में मेन कैरेक्टर सनी देओल और सकीना की जोड़ी देखने को मिलेंगे और वही अब जब ये गदर टू देखेंगे तो गदर का पार्ट वन फीलिंग आएंगे और वही सीन आपको दिखाया गया है जो गदर में दिखाया गया था। उसके बेटे किसी कारणवश फंस जाते हैं और उसके पीछे सोल्जर लग जाते हैं और बाजी मार करके पाकिस्तान से इंडिया लेके आते हैं। यही इस मूवी की बेसिक प्लॉट है। मूवी में आपको कहीं कहीं पे थोड़ी सी अलग सीन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं कहीं पे फीलिंग आपको होगी, कहीं कहीं पे आपको फीलिंग होगा गदर की जैसे। बाकी जब भी स्क्रीन में सकीना और सनी पाजी की जोड़ी पर्दे पे आती है, एक कमाल के एंजॉय देके जाती है। एक अच्छी खासी एंटरटेनिंग मूवी है, हर वो चीज़ मौजूद है। और जो 22 साल बाद फिर से गदर टू जो रिलीज हुई है, एक अच्छी खासी अर्निंग करके जाएगी, एक अच्छी खासी ऑफिस में कलेक्शन छाप जाएगी। मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा। बहुत अच्छे तरीके से मूवी में प्रेजेंट किया है, चाहे वो एक्टर हो। और इस मूवी में अदर कैरेक्टर भी जब भी प्रेजेंट होते हैं, जब भी इंटरव्यू होती है, एक अच्छी खासी एक्टिंग करके जाती है। और मूवी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्लॉट समझ में आएगी। और सकीना की एक्शन लुकिंग काफ़ी कमाल के हैं। वो हैंडपंप वाला सीन और एक एक डायलॉग, जब हथौड़े से गाड़ी पे छोड़ते हैं तो गाड़ी चकनाचूर हो जाते हैं, इस तरह से सीन देखने को मिलेंगे। काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है, आप देखें, फुल एंजॉय मिलेगी मूवी में और मूवी एक अच्छी खासी अर्निंग करके जाएगी। तो दोस्तों ये रही मेरी गदर टू मूवी की रिव्यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आपके मन में सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट मेंशन कीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़।